Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. यार जब जिम में ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, जब आपको जिम करते वक्त इंजरी हो जाती है, और मेरे साथ कुछ आज ऐसा ही हुआ है. मैं वर्कआउट कर रहा था, लेग्स वर्कआउट कर रहा था, एंड स्क्वाट करते वक्त मैं इस बार तो मैं हैवी भी नहीं कर रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली कि मेरे जो इनर थाई में है इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, और वो मसल पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया है. तो अभी मेरे को इतना इरिटेटिंग हुआ उसके बाद वर्कआउट मेरा. सो जब होता है ना कि यार जब आपका वर्कआउट इतना गंदा जाता है ना, क्योंकि बिकॉज वो इंजरी के बाद मैं कर रहा था अराउंड सिर्फ 50-60% वेट से ट्रेनिंग. सो वो बहुत इरिटेटिंग लगता है और वो बहुत बोरिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट. सो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है. बट लेकिन अगर दिन की बात करें तो दिन आज बहुत अच्छा है. आज का टेम्परेचर है 12 डिग्री अभी के टाइम पे, और टाइम हुआ है अभी अराउंड 7:30. हाँ, 7:30 बजे हैं और 12 डिग्री टेम्परेचर है. लेकिन आज के दिन में टेम्परेचर जाने वाला है अप टू 25 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब इतना अच्छा मौसम होने वाला है आज कि बाइक निकालनी है, कुछ एक्साइटिंग करना है बाइक के साथ. बने रहना, आप लोगों को भी बताऊँगा एंड तक कि क्या एक्साइटिंग हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम बाइक के साथ. और रही बात जिम की, जो भी बंदे जिम जाते हैं और उन लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि यार कैसे पता चलता है कि ये जो इंजरी है, ये यू नो जो मसल में जो अचानक से जिम में जो पेन हुआ है वो इंजरी है या वो पिछले दिन के वर्कआउट का पेन है. तो एक प्रो टिप देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर वर्कआउट करते वक्त पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक इंजरी हुई है, क्योंकि जब भी जो मसल पेन होता है वो हमेशा अगले दिन पे होता है. सो ये याद रखना हमेशा, जो भी बंदे जिम करते हैं हमेशा याद रखना कि अगर वर्कआउट करते वक्त आपको पेन होना शुरू हो गया, दैट मीन्स यू डन समथिंग रॉन्ग एंड आपको इंजरी हो गई है. और अगर आपको अगले दिन पेन हो रहा है, विच मीन्स यू आर डूइंग गुड जॉब. अ फ्यू आवर्स लेटर. सो यार मैंने ना कुछ सामान मंगाया था अमेजोन से, वो भी डिलीवर हो गया है. एक पार्सल आया है ये और एक आया है ये, दो पार्सल आए हैं. और भी कुछ पार्सल आने वाले हैं. वो मैंने क्यों मंगाए हैं और क्या यूज़ होने वाला है उसका मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. लेकिन सबसे पहले इस पैकेज को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है. एंड लेट्स क्विकली ओपन दिस. ओके, तो इसमें आया है ये, और ये क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ. तो इसमें आया है ये माइक्रोफोन. अब ये मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि मेरे पास तो एक माइक्रोफोन था पहले से, राइट. सो क्या इशू हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ. लास्ट वीकेंड पे मैं, आप लोगों को पता है जब मेरा मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस वगैरह सारा आ गया था, नंबर प्लेट लाइसेंस प्लेट जो बोलते हैं यहाँ पे वो आ गया था, उसके बाद मैंने एक छोटी सी ट्रिप मारी. छोटी सी मतलब ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की ट्रिप मारी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था. फर्स्ट टाइम था जब मैं ये वाली बाइक इतनी लंबी टाइम के लिए चलाने वाला था. तो सबसे पहले तो ये बता दूँ मैं आप लोगों को, एक फीडबैक दे दूँ या एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है कि जब मैं घर आया उसके बाद मेरे पास न चलने की भी ताकत नहीं थी, बिकॉज इतना ज़्यादा बैक पेन और इतना ज़्यादा शोल्डर में पेन, मेरे को नेक में पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ द राइडिंग पोजीशन, मेरे हाथों में पेन हो रहा था और मेरा इनर थाई में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था. बिकॉज जैसे मैंने बताया, फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई सुपर स्पोर्ट बाइक चला रहा था, वो भी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चलाया मैंने पहले बार में ही, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई. बट राइड वॉज अमेजिंग, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया राइड करके. सो मैं एक किसी मोटरसाइकिल राइडिंग ग्रुप से मिला, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं मैं. सो मैं एक मोटरसाइकिल राइडिंग ग्रुप से मिला और उन लोगों के साथ हम लोग, आई थिंक अराउंड टोटल 15 बाइक्स थे, हम लोग गए कवारथा लेक्स करके एक जगह है यहाँ पे. इतनी ब्यूटीफुल जगह, इतना अच्छा था वो, लाइक द राइड वॉज सो गुड. 15 लोग थे एंड सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की बाइक्स थी. R1 थी, R6 थी, BMW की बाइक्स थी, बहुत सारी बाइक्स थी. सो इट वॉज सुपर फन. लेकिन उस राइड में दो पंगे हो गए. क्या पंगा हुआ और इस वजह से मैंने ये मंगाया है, ये मैं आपको बताता हूँ. पर उसके पहले आओ चलते हैं उस राइड वाले दिन पे. ओके गाइज, रेडी हो रहे हैं फटाफट. देखो ये वाला नया शूज जो मैंने लिया था. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो तो अब तक देख ही लिया होगा जहाँ मैं शॉपिंग करने गया था. क्या मतलब नहीं देखा है, यहाँ लिंक कर रहा हूँ, जाके देख लेना, अभी जाके चेक करना वो वीडियो. यार आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो, आप लोगों को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. तो जब मैंने राइडिंग जैकेट खरीदा था तब आप लोग साथ में ही तो थे.
एनीवेज सो अभी हो रहे हैं रेडी और आज जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं पहले एंड देन उसके बाद में आगे चल के बातें करते हैं। One hour later. If you think you are annoyed with the guy right ahead of you, communicate. As all this is, whenever you want to pass somebody, make sure you. मेरे घर से निकल के मुझे आई थिंक हो गए रहेंगे 200 किलोमीटर के ऊपर। मेरे को एक बार ना वो वीडियो में चेक करना पड़ेगा कि स्टार्ट में जो मैंने स्टार्ट किया था तब कितने किलोमीटर्स थे। ओके लेट्स गो। All right, welcome back. घुमाए आप लोग भी कवारदा लेक्स। So अब हुआ यूं कि मैंने राइड शुरू की, घर से निकला, वहां पर भी बहुत सीन हो गया था। जब मैं घर से निकल रहा था तो उस वक्त मेरा प्लान था उन लोगों को मिलने का वहां पर 10 बजे, जो एक मीटिंग पॉइंट था। अब वहां पहुंचने के लिए वो ऑलमोस्ट टोरंटो के आसपास था, तो वहां पहुंचने के लिए मेरे को मैप में दिखा रहा था अराउंड 1.25 घंटा लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं जाके अराउंड 8:30 बजे के आसपास निकल जाऊंगा ताकि मैं 10 बजे तक वहां कंफर्टेबली पहुंच पाऊं। लेकिन इशू हुआ ये कि जब तक मैं घर से निकल रहा था सारा रेडी होके सारा अपना कैमरा वगैरह सेट करके वो सब करने में इतना लेट हो गया मुझे कि मेरे को निकलते निकलते घर से बज गए 9:15। अब मेरे पास टाइम था सिर्फ 45 मिनट्स। उसमें दूसरा पंगा क्या हुआ, जब मैं अपनी बाइक अपने बैकयार्ड से बाहर निकाल रहा था तो मेरी गाड़ी जो थी मैंने ये सोच के पार्क की थी एक दिन पहले आगे की तरफ थोड़ी, और उतनी जगह छोड़ी थी ये सोच के कि उसमें से बाइक निकल जाएगी, लेकिन वो नहीं निकली। तो मुझे पूरा सूट पहन के गाड़ी में बैठना पड़ा, गाड़ी आगे करनी पड़ी एंड देन उसके बाद ही मेरे पास जगह मिली कि मैं उसको बाइक को बाहर निकाल सकूं। उसमें बहुत सारा टाइम चला गया। फिर मैंने सबसे पहला स्टॉप घर से बाहर निकल के, क्योंकि मैं इतने टाइम से यूज़ नहीं कर रहा था बाइक, तो मेरे को उसमें गैस फिल कराना था या पेट्रोल बोल लो जो भी है वो फिल कराना था। वो फिल कराने में टाइम लगा। सो ये करते कराते ऑलमोस्ट बज गए थे 9:15 कि मैं अपना राइड स्टार्ट किया मैंने मीटिंग पॉइंट तक जाने के लिए। वहाँ जब पहुँचा, वहाँ जाने के बाद लोगों से बस मेरे पास सिर्फ 5 मिनट था, फटाफट सबसे मिला एंड देन वी स्टार्टेड द राइड। राइड वॉज जैसे मैंने बताया बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो दो इश्यूज हुए, सबसे पहला इशू तो ये हुआ कि मैंने पूरी राइड ख़त्म की, बहुत सब रिकॉर्ड किया, और जब मैंने घर आके रिकॉर्डिंग्स देखी सारी,
तब मुझे पता चला कि एक तो बहुत ज़्यादा विंड नॉइज था, जो माइक था जो मैंने जिस तरह से सेटअप किया हुआ था, जो माइक्रोफोन था जो मैंने सेटअप किया हुआ था, वो शायद इतना अच्छे तरीके से नहीं सेटअप किया हुआ था, तो जब मैं बात भी कर रहा था बैरली कुछ आवाज़ आ रही थी, और जो भी आवाज़ आ रही थी विंड की इतनी ज़्यादा इतनी आवाज़ आ रही थी, विंड नॉइज़ विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा था, बिकॉज यार ये बाइक्स पे आप जा रहे हो ऑन एन एवरेज 110, 120, 130 के स्पीड पे, तो हवा जो है वो इतनी ज़ोर से मार रही थी और इतना ज़्यादा वो माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा था कि मैं जो बोल रहा था वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। जहाँ मैं बीच में कहीं रुक रहा था या स्लो कर रहा था वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर फिर भी आवाज़ आ रही है, लेकिन अदरवाइज इट वॉज़ अ वेरी बिग चैलेंज जो मैंने फेस किया है विथ माई माइक्रोफोन। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ किए समझने के लिए कि जो मोटो ब्लॉग्स करते हैं वो लोग किस तरह से सेटअप करते हैं अपना माइक्रोफोन इनसाइड द हेलमेट। तब जाके मुझे पता चला कि ये जो माइक्रोफोन है ये बिल्कुल मुंह के पास नहीं रखना होता है, और इसको हेलमेट के अंदर अपना जो चीक पैड रहता है उसके नीचे डालना पड़ता है, चीक पैड हटा के उसके नीचे डालना पड़ता है ताकि विंड की आवाज़ कम हो। प्लस वो जो माइक्रोफोन रहता है उसको बहुत ज़्यादा इंसुलेशन करते हैं, उस पर डेड कैट डालते हैं, और डेड कैट क्या होता है, डेड कैट ये होता है जो माइक्रोफोन्स में लगता है, वो डालना पड़ता है जिससे ये विंड नॉइज वगैरह सारा कम हो। तो जो मेरा नॉर्मल माइक्रोफोन था जो दो पैर था वो मैंने फिट करने का ट्राई किया, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा था और वो बल्कि था, वो हेलमेट में फिट ही नहीं हो रहा था। किसी तरह से मैंने उसको हेलमेट में बिठाया भी, लेकिन फिर वो मेरे गाल पे और मेरे सर के आसपास वो इतना बड़ा था ऐसा, तो वो इस तरह से बैठा हुआ था और वो बहुत लग रहा था। तो मैंने कहा यार इससे तो काम नहीं बनने वाला है, तो इसीलिए मैंने ये दूसरा वाला छोटा वाला माइक्रोफोन ऑर्डर किया है जो मैं यूज़ करूँगा मेरे बाइक राइड्स के लिए। तो इसीलिए मैंने अभी एक और ट्रिप प्लान की है इस वीकेंड के लिए, तो उस वीकेंड के लिए मेरे को तैयारी करनी है, तो ये मेरे को देखना है पहले ये कैसा है। आज मैं इसको हेलमेट में फिक्स करूंगा एंड देन उसके बाद इसको टेस्ट करने ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि आज का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है, 25 डिग्रीज आउटसाइड, सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये दिन का फ़ायदा लेके बाइक निकालेंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे और इस बहाने से इस सेटअप को भी टेस्ट करेंगे ताकि पता चलेगा कि किस तरह से आवाज़ आ रहा है। ओह गॉड, कैन बेली वॉक, चल भी नहीं पा रहा हूँ। जस्ट बैक, 600 किलोमीटर का राइड करके आया हूँ, टोटल 600 किलोमीटर हुए हैं आज। इतना ज़्यादा थक गया हूँ, ये बैक ऐसे पकड़ गई है, ये हाथ ऐसे दर्द कर रहे हैं, ये इनर थाई ऐसे पकड़े हुए हैं कि पूछो मत, क्योंकि पूरा टाइम ऐसे बैठे हुए थे। यार ये बाइक पे ना टूरिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बाइक टूरिंग के लिए बनी नहीं है, ये बस सुपर स्पोर्ट है, बस इसको भगा सकते हो, बट इस बाइक पे ट्रैवल करना और लंबे लंबे डिस्टेंस जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब लाइक डक वॉक कर रहा हूँ, इतना दर्द हो रहा है। तो यार आई थिंक, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना इस वीडियो को, और हम मिलेंगे कल परसों तरसों किसी अगले वीडियो में, क्योंकि अभी एडिटिंग की जान बची नहीं है और ना ही कोई वीडियो बनाने की ताकत या जान बची हुई है। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।